पाठ्य पुस्तक में यह दूसरी इकाई में यह चौथा पाठ है। यह पाठ कविता के रूप में है। इस कविता का शीर्षक छापा है। इस कविता के कवि ओम प्रकाश आदित्य जी है। कवि का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। उनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के सिंगर पुरुष प्रदान होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम सभ्यता के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के प्रवक्ता हैं। अगर संक्षिप्त कवि का अगर हमने परिचय देखा तो आदित्य जी हिंदी के जो वाचिक परंपरा है, जो हास्य व्यंग का भाग है, इस हास्य व्यंग के शिखर पर एक प्रकार के पुरुष थे। यानी अपने हिंदी साहित्य लेखन में हास्य व्यंग का की यह जो विधा है, इस पर उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, इधर भी गजे है उधर भी गजे है, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर आदि प्रकार के उनके काव्य संग्रह क्या है प्रसिद्ध है। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, देखिए आप छात्रों को मालूम है कि यह जो कविता का शीर्षक है छापा, आप बच्चे बचपन में किसी प्रकार का छापे का खेल सभी छात्रों ने खेला होगा। जो गायब चीज होती है, वस्तु होती है, चाहे दोस्त हो सहेली हो, जो छिपी वस्तुओं को क्या करना, पकड़ना, उसे कहते हैं छापा। हिंदी में छापा का अर्थ है धावा। तो जो आयकर विभाग होता है, तीन आयकर विभाग का जो छापा होता है, और इसी छापे के माध्यम से जो आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति होती है, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली होती है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली होती है, इन सभी को इस कविता में कवि ने क्या किया है, दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंगात्मक हास्य उत्पन्न करता है। और इसी ऐसे ही एक आयकर विभाग के छापे का कवि ने जो वर्णन किया है इस कविता में, यह वर्णन हास्य उत्पन्न निर्माण। देखिए व्यंग के अनेक प्रकार होते हैं और हास्य व्यंग यह जो होता है प्रकार, तो इसमें अनेक प्रकार की छोटे छोटे जो किस्से होते हैं, किस्से, इन किस्सों पर हमें क्या आती है, हंसी आती है, हंसी। और ऐसे ही हास्य उत्पन्न हमें इन कविता के माध्यम से लेखक ने निर्माण किया है। देखते हैं पहला चरण लिखिए इस कविता का, पन्ना नंबर 65 पर। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ, वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, मैं जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे है, उन्हें कैसे दे। यह इस रचना का कविता का पहला चरण है। और पहले चरण में जो कवि ने अपना हास्य व्यंग के बारे में जो वर्णन किया है, वह वर्णन हम देख रहे हैं। यहाँ यह जो कवि के घर जो छापा पड़ा है, यह आयकर विभाग का छापा है। कौन से विभाग का? आयकर विभाग। यहाँ पहली चरण में जो कठिन शब्द आते, यहाँ पहला शब्द है सोना, एक धातु,
अगला शब्द है रोष। क्रोध शब्द है स्वर्ण आभूषण। कांगेली कविता दिखरे पहले चरण में यह कठिन शब्दार्थ है। यहां कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और यह जो छापा पड़ा है और यह छापा छोटा नहीं है, यानी कैसा है, बहुत बड़ा है छापा। और यह मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी छोटा नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा छापा पड़ा है। और अधिकारी जो है छापा मारने वाले आयकर विभाग के, तो यह घर पर क्या कर रहे हैं, पूछताछ करने के लिए आए हैं कवि के घर। और वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, कवि को पूछने लगे सोना कहाँ रखा है। यहाँ आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि को यहाँ एक प्रश्न किया है, सवाल पूछा है कि सोना कहाँ है, इसी प्रकार का सवाल किया है। कवि उस पर जवाब देते हैं सोना, और वह सोना तो कहाँ है, मेरी आंखों में है। वह सोना कहाँ है, मेरी आंखों में है, और मैं कई रात से सोया नहीं, मैं कई रात से सोया नहीं हूं। और अधिकारियों को इस पर क्या आता है, कवि की इन बातों पर क्रोध आता है, रोष आता है। और यह रोष क्रोध आने के बाद वे प्रश्न और स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो। अगला प्रश्न करते हैं कि स्वर्ण दो, तभी लेखक स्वर्ण को स्वर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि स्वर्ण तो अपने काव्य में क्या किए हैं, बिखेरे हैं। काव्य ने कविता, यह जो स्वर्ण है आभूषण है, मैंने क्या किया है, अपने ही कविता में क्या किए हैं, बिखेरे हैं। उसे उन्हें कैसे मैं सौंप दूं, इसी प्रकार का जवाब देते हुए यहां कवि ने कहा है। तो यह पहला चरण है कविता का। और इस प्रकार आयकर विभाग के छापे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं हमने देखा। अभी इस पहले चरण पर जो स्वाध्याय है प्रश्न परीक्षा के लिए एक अंक के लिए इसी प्रकार का प्रश्न आता है। ऐसा प्रश्न बनाइए जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। यहाँ शब्द दिया जाता है प्रश्न पत्र में, यहाँ जो शब्द दिया है कवि के, तो यह
जो शब्द है इसी शब्द पर आप छात्रों को अर्थपूर्ण प्रश्न बनवाना है। कैसे? अर्थपूर्ण। और अगर अर्थपूर्ण आप छात्रों को प्रश्न नहीं बनवाते तो उसमें आधा अंक कट हो जाता है। आप छात्रों को मालूम है प्रश्न किसे कहना चाहिए, वाक्य किसे कहना चाहिए। और अर्थपूर्ण प्रश्न बनवाने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आना आवश्यक है। उसके साथ साथ वाक्य में प्रश्नवाचक क्या आना चाहिए? सर्वनाम आना चाहिए, तभी अर्थपूर्ण क्या बनेगा, प्रश्न बन सकता है। इसका जवाब प्रश्न है, यहाँ शब्द दिया है और इन शब्दों पर क्या किया है, हमने अर्थपूर्ण प्रश्न बनवाया है। किसके घर छापा पड़ा? अभी यह वाक्य अगर आप छात्रों ने पढ़ा तो इसमें किसके यह क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न चरणों पर बनवाकर उसके जवाब कैसे लिखना है, किसी प्रकार की तैयारी आप छात्रों को करनी है। कठिन शब्दार्थ का अर्थ समझ कर लेना है और उन पद्यांश पर इसी प्रकार के प्रश्न निर्माण करना है, स्वाध्याय पूरे करने हैं। अगले चरण हम अगले कला शुरू करें।